ओके नमस्कार आदाब सत श्री अकाल की हालचाल। लास्ट मिनट शॉपिंग, हम इंडिया जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, पूरा बैग सैग टाइट भर दिया है और उसमें इत्तू सा जगह अभी बाकी है। इत्तू सा जगह मतलब क्या है? ओ पिजन आ गया क्या? ये देखो ये हमारे घर में परच गया है, रोज आता भैया और इसको हम देते हैं गेहूँ और दलिया, मैं दलिया लेके आता हूँ। तो ये है दलिया हमारे पास। ये देखो यहाँ छुप के बैठा हुआ, अब जाएगा। जाओ 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 यहाँ से, आने वहाँ से दूर हट जाओ तब आएगा वो। तब तक जब तक वो कबूतर खाना खाने की कोशिश कर रहा, तब तक मैं आपको बता दूँ कि अमेरिका में अगर आप इंडिया जाते हैं तो क्या क्या करके जाना होता है। पहला काम तो जो लोग वीज़ा पे हैं तो जहाँ जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पे एक वीज़ा डिपार्टमेंट होता है, उनको बताना होता है कि मैं जा रहा हूँ इंडिया, तो उनको लिखित रूप से वहाँ से बताना होता है कि मैं जा रहा हूँ, नंबर एक। नंबर दो, अगर वीज़ा से संबंधित स्कूल या कॉलेज की तरफ से या फिर जहाँ भी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उनसे कोई लेटर अपडेटेड चाहिए, जैसे मान लो कि आपका ऑफ़र लेटर एक्सपायर हो गया है या फिर जो है DST-2019 एक होता है जीवन वीज़ा वालों के लिए मिलता है, इस तरह से जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो अपडेटेड होना चाहिए, तो अपडेट करके देते हैं। ये तो ऑफिस का हो गया। घर घर पे क्या करना होता है? जैसे कि हमारा घर है इधर, तो जो लोग घर पे रहते हैं तो घर पे रहने के लिए जानते हैं कि यहाँ AC चलता है, पंखा चलता है, पानी की सप्लाई चलती है और गैस चलता रहता है, तो चार चीज़ें हैं, तीन चारों को बारी बारी से बंद करना होता है। तो आपको करना क्या है, पानी की सप्लाई बंद करना है। पानी की सप्लाई तो हर एंगल से आता है, ठीक है, लेकिन आपको मेन जो सप्लाई होता है पंप का वहाँ से बंद करना होता है, ताकि कभी जो है फ्लड वगैरह ना आ जाए आपके अनुपस्थिति में, ठीक है, तो उसको बंद करना होता है। गैस बंद करना होता है, गैस की सप्लाई, हमारे यहाँ गैस सिस्टम जो भी है वो पूरी तरीके से लॉक है, तो हम बंद नहीं कर सकते। गैस का इस्तेमाल हमारे यहाँ सिर्फ जो है हीटिंग के लिए यूज़ होता है, तो हीटिंग अभी गर्मी में बंद ही है एक तरह से, तो उसको मैं बंद नहीं करूँगा। पानी की सप्लाई बंद करेंगे और AC तो बंद करेंगे। AC के साथ साथ अमेरिका में एक खास चीज़ होती है, जो घर बंद होते हैं उस घर में पंखा हमेशा चलता रहता है, ताकि जो है एरिएशन होता रहे घर का, ठीक है। तो जब आप घर खरीदने जाओगे कभी भी तो उस घर में जाओगे तो एक ही चीज़ ऑन रहता है, वो है पंखा। बहुत स्पीड से ऑन नहीं होता, धीरे धीरे नाचता रहता है, लेकिन सारे रूम में के सारे पंखे धीरे धीरे नाचते रहते हैं, इस वजह से हवा का सर्कुलेशन घर में होता रहता है। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। जैसे कि आप जा रहे हैं और ख़ासतौर पर जैसे हम सब ब्लॉगर हैं, हम सब हर एक चीज़ बता देते हैं, तो प्राइवेसी नाम की कुछ बचता नहीं है। कोई भी हमारे रेखी कनाडा चाहे, हम जानना चाहे कि कब हैं, कहाँ हैं, कैसे, बहुत आसानी से जान सकते हैं। उससे बचने के लिए हम सब ने क्या करते हैं कि हम सब ने क्या सभी लोग करते हैं, कैमरा लगाते हैं हर जगह, पीछे वाले घर के पास, फ्रंट में भी, फ्रंट में हमारे पास दो कैमरा है, पीछे हमारे पास एक कैमरा है, घर के अंदर एक कैमरा है और मोशन डिटेक्टर है। मोशन डिटेक्टर मतलब हमारे घर के सामने जितनी बार गाड़ियाँ घूमती है उसका भी डिटेक्ट करके आ जाता है, ठीक है। तो कोई पैदल यात्री हमारे घर के आसपास गुजरा, कुछ भी हुआ, उसका हमारे पास अलर्ट, न सिर्फ अलर्ट बल्कि वीडियो भी उसके रिकॉर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और पांचवा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका लेटर बॉक्स, जो आपके पास जैसे जिस इलाके में रहता हूँ उसका जो है वहाँ पर एक लेटर बॉक्स है जहाँ पर हमारे बच्चे नाच रहे हैं, ठीक है। उस लेटर बॉक्स से आपको सारा लेटर निकालना होगा, नहीं तो जो है लेटर आपका भर जाएगा। तो लेटर अगर भर जाएगा तो पोस्ट ऑफिस वाले क्या करते हैं कि लेटर देना ही बंद कर देते हैं और उनको बोल दें, आप एक नोटिस डाल दे देंगे हमको अलग से, बोल देंगे कि जब तक आप लेटर वहाँ से निकालोगे नहीं हम आपका कोई भी लेटर्स यहाँ पे देने नहीं आएंगे, आपको एक्टिवेट कराने के लिए उनके घर जाना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए एक छोटी सी मड़ई बनी हुई, यहाँ पे ढेर सारे लेटर बॉक्स हैं। मैं लेटर बॉक्स आपको दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि सबके घर के नंबर लिखे हुए हैं। इस तरह से जो है पीछे झोपड़ी जो है वहाँ पे ढेर सारे मेल बॉक्स हैं, वहाँ से मैंने कुछ कूड़ा करकट लेके आया हूँ, ज़्यादातर ऐड वाले प्रचार वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टाइम के भी हो सकते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका, विवाह सागर, अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक सर्विस रिक्वेस्टेड, लगता है कि हमने कुछ क्रेडिट कार्ड वगैरह ऑर्डर किया था विवाह ने, शायद वही है ये। गाइज गाइज साइड में आ जाओ। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमने बैग को सारा तौल लिया है और तौलने के बाद उसमें थोड़ा सा जगह बचा है, अभी हम जा रहे हैं बाहर चॉकलेट लेने, और यही एक ऐसा चीज़ है जो मैं सब लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, चॉकलेट, ठीक है। तो चॉकलेट हमारे पास ऑलरेडी ले रखा हूँ मैं, थोड़ा सा जगह बचा है, मैं सोचा उसे फिर से भर लूँ, ठीक है। अभी मैं चल रहा हूँ चॉकलेट लाने, और ये जो पीछे जो नंचुए नाच रहे हैं इन सबको कहा चलो मेरी शॉपिंग में हेल्प कर दो, कहें नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, फिर हमने कहा कि फिर उन्होंने हमारे साथ शर्त रखी कि हम तुम्हारे साथ अगर बाइक चलाएँ तो तुम
चलो हम तुम्हारे साथ चल लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, तो हो सकता है ये सब हमारे साथ चलें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अरे अरे दूर दूर उससे दूर रहो। आप देख सकते हैं भैया खाए पड़ा है। ओह माय गॉड, कितना अच्छा लग रहा है देखते हुए उसको। आन्या थोड़ा दूरी रहो ना, क्यों परेशान कर रहे हो आन्या? आन्या छोड़ दो उसको, थैंक यू। अब पास में जाके, अब जानते हैं पास में जाएंगे तो बेचारा भाग जाएगा। खा ले बेचारा। आन्या उसको पानी भी तो चाहिए। आन्या ये ज़्यादा उड़ता नहीं है, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, बच्चे लोग नाच रहे हैं लेकिन जो है वो उड़ नहीं रहा वहाँ से। तो हो सकता है बीमार हो बेचारा ज़्यादा। मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूँ हमारे घर के आसपास ही नाच रहा है ये, और बढ़िया से जो है दलिया खा रहा है, टूटा उटा पहले से है, ज़्यादा पूछना भी नहीं पड़ रहा होगा। जानकारी के लिए बता दूँ कि इनके पेट में एक चक्की होती है, ठीक है, और उस चक्की को गिजर्ट बोलते हैं, गिजर्ट, ठीक है, उसी चक्की में जाके पीसते हैं। तो हर चिड़िया के पेट में एक चक्की होती है, ठीक है, इसलिए जो है हार्ड खाना खाते हैं, जैसे कि गेहूं है, गेहूं तो बहुत हार्ड होता है, जब हम सबसे नहीं फूटता तो इनसे कहाँ से फूटेगा। ये सब क्या करते हैं, गिजर्ट में स्टोर करते हैं, वहाँ पिसाई होती है, फिर आगे उसके बाद डाइजेशन होता है। तो फिर कभी मौका मिलेगा तो इसके बारे में डिटेल बता सकता हूँ आपको। भैया मैंने जूलॉजी से जो है अभी MSc किया, जूलॉजी से PhD किया हुआ है ना, हाँ, उड़ गया ऊपर रे अटरिया पे लौटन कबूतर रे। और ना जो है कार जो है सफाई, कार के शीशा सफाई करने में मदद कर रहा है मेरा, तेल भरने आए हैं। गुड जॉब अर्नो, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है जितने भी यहाँ पे गैस स्टेशन होते हैं, अमेरिका में पेट्रोल टंकी को गैस स्टेशन बोला जाता है वैसे, तो इस तरह से यहाँ पे डिब्बा रखे रहते हैं, यहाँ पे इसमें जो डाल के रखे रहते हैं। इंडिया जाने से पहले गाड़ी में जो है पूरा तेल रख के। हेलो, ब्लू इसलिए ताकि उसमें जर्म ना रहे, ठीक है, टॉयलेट वाटर नहीं है। हाँ देखो ब्लू वाटर है इसका, क्योंकि इसमें जो है जर्म फ्री के लिए। हाँ तेल तो इंडिया जाने से पहले तो हमने जो है अच्छा खासा पूरा, और सब निकालो निकालो, तेल भरवा लेते हैं ताकि जो है आने के बाद। अब क्रिक की आवाज़ आनी चाहिए। कमान कमान, तो इसे ले कहता हूँ धोया करो। ओ आ गया सही है सही, फाइनली। तो ये है सामने ब्लू कलर का, देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ आए हैं, इसको बोलते हैं IKEA। ओके, तो हम इस तरह से हम IKEA मार्केट के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे हमें मिलेगा चॉकलेट एंड कैंडी। यहाँ पे IKEA वैसे ज़्यादातर आपको तो पता ही होगा, कुर्सी मेज घर गृहस्थी लकड़ी तेल साबुन यही से मिलता है। और ये है हमें मिलेगा आपको चॉकलेट का जखीरा, सब चॉकलेट हैं, देखें ये भी है मिल्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, ये हेजलनट डायम, ये भी चॉकलेट है, इसके अंदर जो है नट्स भरे हुए हैं, देखिए भी ये उसी का डायम है जो नीचे वहाँ पर रखा है, उसी का चॉकलेट वाला पार्ट है। चलो एक ही रख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए सब कुकीज़ हैं, जिसको बिस्किट आप कह सकते हैं, ये भी है शायद ये अदरक मिला हुआ है इसमें, जिंजर, हाँ जैसे जिंजर कुकी है ये, तो ये जिंजर है, और इसमें क्या मिला है ओट मिल्क कुकी है ये। चलो एक रख लेता हूँ इसको भी। कहाँ पे? ओह माय गॉड, देखिए जार चॉकलेट है ये, और इसमें किसी प्रकार का चीज़ मिला नहीं हुआ है, सीधा चॉकलेट है ये। ये नहीं ले जाऊंगा क्योंकि गांव में जो है ये बहुत मतलब कड़वा सा टाइप का आता है ना, सब लोग को पसंद नहीं आएगा, तो ये मैं उठा लेता हूँ ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्योंकि मेरे बैग में बहुत ज़्यादा जगह है ही नहीं, जगह तो बहुत है लेकिन वजन ही वजन हो चुका है बराबर, ठीक है, तो सही है अभी। मैं गया था पे करने तो अर्णव भैया ने बोला कि हमको घूमना है अंदर, फिर पे करेंगे, तो मैंने वापस रख दिया। अभी हम जा रहे हैं घूमने, हो सकता है मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूं, जैसे कि मैंने बता रहा था आपको घर गृहस्थी, आप देख सकते हैं कितना जो है स्टोरेज है इसके। इंडिया के गेहूं के खेत में से जो हम उखाड़ के फेंक देते हैं, वही चीज़ यहाँ अमेरिका में गुलदस्ता बना के बेचा जाता है। और आप देख के लीजिए यहाँ पर जो है गेहूँ में जो निकलता है, एक तिल है और ये वाइट फूल वाला है, ठीक है, इसको हम सब फेंक देते हैं, एक ये जो है
बड़ाई टिड़ाई क्या बोलते हैं ना, ये सब हम सब निकाल के फेंक देते हैं और अमेरिका में इसी को गुलदस्ता बना करके अच्छे खासे दाम में बेचा जाता है। अगर आपको इन सब के नाम पता हो तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। मैं अभी तो नाम जानता था लेकिन मैं थोड़ा भूल गया हूँ। अब हम वो करने हैं जो मैंने सोचा भी नहीं था। अब अर्नो को देखिए जूस। तो इस आईकिया के अंदर एक कैफेटेरिया है छोटा सा, आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा मैं अभी आपको ये कैफेटेरिया दिखा दूँगा। हम ब्लॉगर की जो लाइफ होती है ना कुछ अनस्टेबल रहता है। हम वीडियो में क्या दिखा देंगे, क्या बना देंगे, कुछ भी नहीं पता होता कि अगले सेकंड में क्या होने वाला है। हम लेने आए थे सिर्फ चॉकलेट, अब हमने पूरा आईकिया घूम लिया। मुझे लगता है कि अनस्टेबल नहीं बल्कि अनप्रिडिक्टेबल सही वह शब्द होगा ब्लॉगर की। अगर आप डेली ब्लॉगिंग करते हैं, अगर आप अपने लाइफस्टाइल दिखाते हैं, अमेरिकन लाइफस्टाइल, जैसे कि मैं कोशिश करता हूँ कि अमेरिका का जो भी लाइफस्टाइल है उसके बारे में आपको वीडियो बना के दिखाऊँ, तो हम सबका अनप्रिडिक्टेबल होता है कि अगले मोमेंट में क्या आ जाएगा नया। ठीक है, तो अभी आज हम सब अंतिम दिन है आज हम सब का अमेरिका में, कल हम सब निकल जाएंगे इंडिया के लिए। और मैं क्विकली आया था चॉकलेट लेने और देखो अर्नो भैया ने हमको कहाँ फंसा दिया। वाय उठा ले, अर्नो उठा ले इसको, थैंक यू। बॉटल उठा, बॉटल। इस तरह से हमने जो है अनप्रिडिक्टेबल ब्लॉग बनाते हुए अर्नो को घुमा दिया है और हम जा रहे हैं फिर से लेने अपना कैंडी और चॉकलेट। यहाँ से हमने ये ले लिया है और ना एक कुछ इसको उठा ले बड़े, इस पर रख दे इसके ऊपर, ये एक येलो वाला उठा ले। चलो तीन चीज़ बहुत है, इतना तो मुझे लग रहा है 3 किलो तो वजन यही है। देखते हैं अमेरिका जाने, इंडिया जाने का सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है, ले जाने का तो बहुत कुछ मन करता है लेकिन हमारे पास वज़न का लिमिट है। हेलो, इस तरह से हमने चॉकलेट ले लिया है, कुल हमको ये पड़ा है $54 का है, तो लगभग जो है 4,000 Indian rupees का मोटा मोटा समझ लीजिए। आइकिया में एक ही ख़राब चीज़ है, ये सब जो है बैग नहीं देते हैं, अपना सामान खुद से उठाओ। चूँकि अर्नो जूस पी रहा है तो मुझे आ रहा है लालच, तो मैं भी यहाँ से ले लेता हूँ एक आइसक्रीम, वो भी कौन वाला, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। यहाँ पर एक वेजी डॉग है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया तो आज मैं ट्राई कर रहा हूँ वेजी डॉग, वो सस्ता भी है तो हमको यहाँ से ख़रीदना होगा। ठीक है, स्टार्ट योर ऑर्डर। नो ये वेजी हॉट डॉग जो गायब है, नो वेजी हॉट डॉग, दैट्स नॉट वेयर। बस यही एक है आइसक्रीम। देखो आज हॉट डॉग, वेजी वाला हॉट डॉग खाने का मन भी किया, इनके पास है भी नहीं। एक्सक्यूज मी, यू डू नॉट हैव वेजी हॉट डॉग? नो। इस तरह से हमने एक आइसक्रीम ले लिया है $1.48 का। ब्लॉगर बनने के एक और नुकसान यह है कि अब एक हाथ से आपको इसके उठाना है, एक हाथ से आइसक्रीम भी खाना है, एक हाथ से मोबाइल पकड़ना है, दो ही हाथ हैं, तीसरा हाथ कहाँ से आएगा। थैंक यू, थैंक यू। तो इस तरह से हमको मिल गया है, अनिल क्लिक करो, ठीक, तब उठाओ इसको, उठाओ। अनिल भैया रख दे, वापस रख दे। तो आप समझ सकते हैं मेरा हाथ पैर बिजी है, और ना भैया काल को, अरे अरे भैया वो जो है तो कार की चाबी नहीं है, हेलो 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 हेलो, वो कार की चाबी नहीं है, पॉकेट में हाथ डाल के निकालो। ओके गुड, भैया खुला हुआ है, दो दरवाज़ा खुलेगा नहीं बाहर। हेलो, इस कौनो नहीं सुनो भाई, नहीं करते ना हमारे भतीया। प्रेस एंड होल्ड।